देखिए, एग्जिट पोल है, इनकी पोल कई बार खुल चुकी है और ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ, मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो अभी बाकी जगह क्या पैटर्न है, सारा हम निकाल रहे हैं और हमारा इंटरनल जो सर्वे है वो भी हो रहा है, दोपहर तक आ जाएगा, उसके बाद हम बात करें। अब देखिए, अब ये दावे और वो अभी कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं, ये सारी बात होगी 8 तारीख को। 8 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तब बात होगी। चलो, तरह तरह की बातें लोग करते हैं, अब हर व्यक्ति का तो कोई जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। देखिए, आम आदमी पार्टी नाम की चीज़ कहीं नहीं है, और ना वो थी चुनाव के दौरान, ना उनकी कहीं पर मौजूदगी पता लगी है कहीं पर। अब वो ठीक है, जो बिल्कुल जमानत जब्त वाला उम्मीदवार होता है वो भी कहता है मैं 1 नंबर पर आऊँगा, ये तो चुनाव का सिद्धांत है। अभी अपने अपने आकलन है, अभी मैं नहीं करूँगा जब तक एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ जाता। मेरा ख्याल नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का बूथ वाइज हमने देखा था, और वो बूथ जहाँ पर 100% किसान ही रहते हैं, वहाँ से भी हम जीते थे। किसानों के मुद्दे हैं, लोकतंत्र में मुद्दे होते हैं, उठाए भी जाते हैं, उनका असर भी होता है, परंतु कितना होता है इसका आकलन करना होता है। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।